बेसिक में है। हम विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन गेट करेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे और विजुअल बेसिक के जो एडिशन चल रहे हैं उनको देखेंगे और जो हम इस वक्त इस्तेमाल करेंगे उसको देखेंगे। इसके बाद हम एक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, उसका इंटरफेस सेट करेंगे, उसका कोड जो है वो लिखेंगे, जो कोड उसके साथ अटैच हुआ हुआ है उसको देखेंगे और उसके बाद विजुअल बेसिक के जो बेसिक 3 कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और सेव करने के बाद सेव हुए प्रोजेक्ट को दोबारा से देखेंगे और ये सारा काम हम एज ए प्रैक्टिकल देखेंगे विजुअल बेसिक 6.0 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हमें विजुअल बेसिक के इंट्रोडक्शन की बात करें तो विजुअल बेसिक बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं उनकी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में काम आती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो विजुअल बेसिक जो है ये बेसिकली GW बेसिक की एक मॉडर्न फॉर्म है जो बिगनर्स के लिए बनाई गई थी और इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए काम करती हैं। विजुअल बेसिक के जो एडिशन चल रहे हैं उनमें जो जो सबसे अच्छा एडिशन है वो एंटरप्राइज एडिशन है और हम एंटरप्राइज एडिशन के ऊपर ही काम करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल एडिशन हैं और इसके अलावा लर्निंग एडिशन हैं जिनके ऊपर कोई बिल्कुल बिगनर्स लेवल के ऊपर काम किया जाता है। विजुअल बेसिक का जो IDE ही है वो हमारे भी इस PC में इंस्टॉल है और हम इसी के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि इस पेज के ऊपर नज़र आ रहा है, अगर हम इसको रियल में ओपन करना चाहें तो इसके लिए ऑलरेडी इस कंप्यूटर में ये सेव है। इस पर्पज़ के लिए स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में देखें कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये एंटरप्राइज के नाम से इंस्टॉल है लेकिन हम इसके जो एप्लीकेशन इंटरफेस IDE ही है इसके ऊपर काम करेंगे। अगर हम इसके IDE की बात करते हैं तो हमें इसके मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं वो सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इंटरफेस है जो पेज के ऊपर शो किया जा रहा है कि इसमें जब भी हम कोई इंटरफेस को ओपन करेंगे, कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे विजुअल बेसिक के ऊपर, तो उसमें हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर मिलेगा जिस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हमें किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे कि अगर हम बिल्कुल नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास न्यू के साथ है। अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट मौजूद है तो हम यहाँ से इसको तलाश करेंगे। अगर रिसेंटली कोई काम किया गया है तो उसको भी यहाँ से देखा जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल नया जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद यानी कि स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लेने के बाद हम इसको ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूज़र के लिए एक इंटरफेस नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर हम कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट की नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन को भी इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। जो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इंटरफेस का होता है इसका वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है फॉर्म। मजीद इसमें देखते हैं कि हमने फर्दर इसमें क्या प्रोसेसिंग करनी है। बेसिकली जब भी हम कोई IDE को ओपन करते हैं तो उसमें काम करने के लिए हमारे पास वो मोड होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। एक डिज़ाइन मोड होता है, इसमें हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इसके बाद एक रन मोड होगा जिसके ऊपर हम किसी भी एप्लीकेशन का कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं यानी उसकी आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं और अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसको पास करके उसके अंदर मजीद चीज़ें देखी जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं, कोड को दोबारा से देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ IDE हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जैसे ये हमें मेन्यू बार नज़र आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हमारे पास मेन्यू बार है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फाइल है। अगर फाइल में देखें तो हम यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं,
कोई नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, पहले से ऐड प्रोजेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर फाइल में यही ऑप्शन होते हैं। एडिट के बाद हम अपने कोड के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म की विंडोज़ हैं, जो ऑप्शन हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो विजुअल इफेक्ट हैं, हम उनको व्यू में देख सकते हैं। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट की टाइप्स कौन सी चल रही हैं, फॉर्मेट कैसा चल रहा है कि यानी हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, जैसे वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजेंटल स्पेसिंग आ रही है, फिर हमने अपने कोड को डीबग कैसे करना है और उसको रन कैसे करना है। और अगर हमारे प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस अटैच है तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज को कैसे अटैच करना है, मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स कैसे अटैच करनी है, पिक्चर्स वगैरह कैसे लगाने हैं, सिंबल कैसे लगाने हैं, और मज़ीद हम टूल्स क्या क्या शामिल कर सकते हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये ऑनलाइन टूल्स हम इससे मिलते जुलते जितने हैं उनको चेक करेंगे और मज़ीद चीज़ें जो हैं उनको इंसर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास विंडोज़ नज़र आएंगी उनकी हॉरिजेंटली, वर्टिकली और केस के कैसी डिपिक्शन होगी, वो कैसे नज़र आएंगी, ये तो हमारी है मेन्यू बार। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमें टूल बार दिया गया है जिसके ऊपर हमें मुख्तलिफ किस्म के ये टूल नज़र आ रहे हैं, इनका काम क्या है, ये क्या क्या काम करेंगे। टूल बार को जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो हैं वो खुद ब खुद इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म एक विजुअल बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि विजुअल बेसिक का कोई भी प्रोग्राम जब हम स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर कोड लिखना शुरू करेंगे अपनी तरफ से, वैसे तो इसमें बिल्ट इन कोड मौजूद होता है, तो उसमें सबसे पहले हम फॉर्म डेवलप करेंगे। फॉर्म को डेवलप करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने एक शॉर्टकट की दी हुई है, Shift+F7। अगर हम अपने से पहले से मौजूद फॉर्म को अगर यहाँ से ख़त्म भी कर देते हैं और कीबोर्ड से Shift+F7 को क्लिक करते हैं, तो ये फॉर्म दोबारा विजिबल हो गया है, नज़र आना शुरू हो गया। अब इस फॉर्म को भी हम सेट कर सकते हैं कि इस फॉर्म के ऊपर हमने क्या क्या चेंजेस करनी है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है और इसके ऊपर हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। उन्हीं ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट हैं वो परफॉर्म होते हैं। इसको देखते हैं अभी। टूल बॉक्स, अभी हम टूल बॉक्स की बात करते हैं कि टूल बॉक्स में हमारे पास कौन कौन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट हैं वो मौजूद हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं वो मुख्तलिफ इवेंट से कंट्रोल किए जाते हैं। वो कुछ इवेंट्स कीबोर्ड के भी हो सकते हैं, वो माउस के भी हो सकते हैं, और जो हार्डवेयर हैं अगर वो कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो वो भी इनसे ज़रूर कंट्रोल किए जाएंगे। इसको अगर हम फॉर्म के ऊपर डिज़ाइन करना चाहें तो हम इन सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आईडी ही है, इसका एरिया हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके ऊपर सबसे पहले ये जो पॉइंटर है ये तो हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं इसको, और इसके साथ अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह लगानी है, पिक्चर बॉक्स बनाना है, मसलन आपने यहाँ पे चाहते हैं कि फॉर्म के ऊपर पिक्चर लगी हुई हो जो वाजिया हो जाए, लेकिन हम यहाँ पे जब हम पिक्चर लगाना चाहेंगे तो इसकी कोडिंग में जाके इसको लगा लेंगे। अभी हम सिर्फ इस जो हमारे पास टूल बॉक्स है इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ये किस तरह नज़र आते हैं, ये क्या काम करते हैं। इसके साथ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है कि हम कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उसमें जैसे कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोई नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम वगैरह लिखते हैं, और जैसे यहाँ पे टेक्स्ट वन इसका एज ए प्लेस होल्डर है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो के ऊपर हमें यहाँ पे इसका कैप्शन नज़र आएगा कि हम इस जगह के ऊपर क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं कि टेक्स्ट वन हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये इसका नेम उसने शो किया हुआ है, और इसमें फिलहाल वो वाली प्रॉपर्टी को हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम सेट करते हैं लेबल्स कि हम इसका लेबल क्या रखना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के लेबल्स हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं।
अब इसमें हम यूं कह सकते हैं कि इस लेबल की जो कैप्शन प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी विंडो में जाके चेंज कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा नेम है, ये हमने इसका लेबल रखा हुआ है, सॉरी नेम, ये लेबल हो गया। उसके बाद हम इसमें फ्रेम लगा सकते हैं, जैसे हम एक बड़ा सा फ्रेम सेट करेंगे और उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें लगा सकते हैं। और उसके साथ हमारे एक बटन है, ये बटन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक इवेंट के ऊपर ये काम करता है। मसलन हम फ्रेम के अंदर इस बटन को फिलहाल लगा लेते हैं कि ये बटन क्या काम करें। बाई डिफॉल्ट इसका जो नेम है वो कमांड बन जा रहा है, लेकिन हम इसको भी यहाँ पे इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं क्लिक, और इसके बाद हम इसको के अंदर कुछ चेक बॉक्स वगैरह लगा देते हैं कि कुछ वैल्यू जैसे ट्रू और फॉल्स होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स लगाना शुरू कर देते हैं, चेक बॉक्स वन। अगर आप मज़ीद एक और चेक बॉक्स लगाना चाहते हैं तो एक और चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं, चेक बॉक्स टू। इसी तरह हमने रेडियो बटन वगैरह लगाने होते हैं ऑप्शंस के लिए, अगर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए होती है तो हम इसमें ऑप्शन पे हम रेडियो बटन इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके बाद ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कम्बो बॉक्स हैं, यानी अगर हमने डाटा तरतीब के साथ एक लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना होता है, तो क्लिक करने से इसके नीचे हमारे पास वो डाटा आना शुरू हो जाता है। जैसे आप डे सेलेक्ट करना चाहते हैं 1 से लेकर 31 तक, या आप कोई मंथ के नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसी तरह हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, जिसमें हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी, कंप्लीट लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। इसको हम फर्दर फिर आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं, इनमें हम इन सारे ऑब्जेक्ट के बैकएंड की जो कोडिंग है उसके ऊपर माउस की इवेंट और कीबोर्ड की इवेंट इंशाल्लाह सेट करेंगे। इसके बाद अगर हम विंडोज़ में देखें तो विंडोज़ का साइज़ कम ज़्यादा होता रहता है उसमें डाटे की वजह से, तो हमें हॉरिजेंटल स्क्रोल बार और वर्टिकल स्क्रोल बार जो है वो सेट करनी पड़ती है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल स्क्रोल बार है, लेट्स सपोज हम इसको यहीं पे सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। और वर्टिकल को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जगह बना लेते हैं वर्टिकल को एडजस्ट करने के लिए, कि अगर हमारी विंडो का साइज बढ़ जाएगा जिसके ऊपर हमारा डाटा नज़र आ रहा है तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपने कोई टाइमर वगैरह सेट करना है तो ये उसका ऑप्शन है, यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ड्राइव लिस्ट बॉक्स, जैसे आप कोई ड्राइव शो कर रहे होते हैं कि सी डी ई ड्राइव जो है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए, कि ये हमारे पास ड्राइव है सी है, अभी फिलहाल सी है, बाई डिफॉल्ट इसने दी हुई है। और इसके बाद अगर हमारे पास फोल्डर ऑप्शंस हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाते हैं तो मज़ीद फोल्डर, और आपको उसमें माई पिक्चर्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं जो हम ड्रा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे सर्कल होता है, पैरेललोग्राम होता है, और जो भी हम एमएस ऑफिस वर्ड में जो शेप्स नज़र आती हैं या पेंट ब्रश में नज़र आती हैं वो भी हम यहाँ पे किसी ना किसी शेप में, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें रेक्टेंगुलर आपको शेप शुरू में नज़र आएगी। और इसके बाद लाइन ड्रा कर सकते हैं कि आप जहाँ पे लाइन लगाना चाहते हैं, जैसे वेब पेज के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन होती है या अंडर लाइन होती है वगैरह वगैरह। और इसी तरह अगर आप कोई इमेज वगैरह सेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सिंगल इमेज, तो उसके लिए आप इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप डेटाबेस अटैच करना चाहते हैं और मज़ीद डेटा इसमें रखना चाहते हैं तो वो वाला ऑब्जेक्ट भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही आप OLE को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अटैचमेंट इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं जो लेंथी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। ये तो हमारा था सारा लिस्ट बॉक्स के हवाले से कि हमारे पास कौन टूल बॉक्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज विंडोज की बात करेंगे, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट करती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई बटन वगैरह बनाया तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट में हमने उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा उसका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने उसके वो कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके उसका नेम चेंज किया था, और इसके अलावा हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन इस प्रॉपर्टी विंडो के नीचे नज़र आएगी। वो उसको अभी हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या बता रही होती है, कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और ये कैसे काम करेगा। और इसमें हमारे पास बेसिकली जब कोई हम प्रॉपर्टी विंडो को देखते हैं तो उसमें हम उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अल्फाबेटिकली भी देख सकते हैं और कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी प्रॉपर्टी कमांड विंडो है कि इसमें हम इस सारी चीज़ें, इसकी अपीयरेंस देख सकते हैं, इसका बैक कलर देख सकते हैं, और इसके अलावा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है अभी क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोडिंग वगैरह सेट नहीं की हुई। इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके हमने इसको क्लिक के साथ काम किया था तो ये इसकी प्रॉपर्टी विंडो है। और नीचे ये वाली जो चीज़ है ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, रिटर्न द नेम यूज इन कोड टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, कि हम जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो कोड क्या डिफाइन करेगा। अब इसी तरह ये है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन शो करी है डिस्क्रिप्शन पैन के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है इंटरफेस के अंदर, जैसे अभी हमने अपनी प्रॉपर्टी विंडो में कुछ चीज़ें देखी हैं जिसमें करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म वन चल रहा है, और ऑब्जेक्ट बॉक्स उसमें हमने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट बॉक्स में चीज़ें ली थी उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी सेट की है, जैसे प्रॉपर्टी नेम कैप्शन आ रहा है और उसकी वैल्यू जो आ रही है वो फॉर्म वन है, लेकिन जहाँ प्रीवियस हमने यहाँ पे अपने बटन की वैल्यू क्लिक कर दी हुई है और ये डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही है कि ये डिस्क्रिप्शन क्या करें। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी चल रही है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर कलर, तो ये शो करेगा कि ये बॉर्डर कलर क्या है, इसका बॉर्डर कलर कौन सा होना चाहिए। बॉर्डर कलर को अगर आप देखें तो हम यहाँ पे आते हैं और इसमें दोबारा देखते हैं कि अगर हमें वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसकी वो प्रॉपर्टी वहाँ पे सेट नहीं है, ये ओवरऑल फॉर्म की प्रॉपर्टी है, इसको बाद में हम देख लेते हैं। अब इसको व्यू करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी विंडो वगैरह अपीयर नहीं हो रही, आपने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है और आप यूँ समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट और उसमें स्टैंडर्ड एक्सी फाइल स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस फॉर्म के ऊपर जो हमने कोई सा भी ऑब्जेक्ट लगाया है इसकी प्रॉपर्टी विंडो नहीं है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है F4। F4 को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी विंडो जो है वो विजिबल होनी चाहिए। ये F4 को प्रेस करने से ये विजिबल होगी या हम इसके ऊपर अब हम काम कर सकते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्म है, फॉर्म वन है, ये हमारे पास कमांड बटन है, बटन की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास फॉर्म की प्रॉपर्टी है। फॉर्म की बॉर्डर का जो स्टाइल है वो 2 आ रहा है और इसके अलावा जो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो ग्रेश आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, उसकी मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मज़ीद कलर इसके सेट करने हैं तो पैलेट्स में आ जाएं, जो मुख्तलिफ किस्म के कलर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रेड कलर इसका सेट कर दिया है, या हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं इस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अब लेआउट क्या चीज़ है। लेआउट हमारे पास ये चीज़ डिफाइन कर रहा होता है कि जो हमने फॉर्म बनाया है और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट लगाए हैं उनकी पोजीशन कहाँ सेट हो रही है, यानी वो स्क्रीन के ऊपर किस जगह के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन से जो फॉर्म है वो ओपन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि प्रोजेक्ट वन के नाम से है, तो उसमें जो फॉर्म है वो कितने हैं और उनका कोड कैसा है और उसमें लगे हुए ऑब्जेक्ट कैसे हैं,
उनको देखने के लिए हम इसी में एक्सप्लोर विंडो के ऊपर काम करते हैं। एक्सप्लोर विंडो में अभी हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, तो इसमें दोबारा जाते हैं, न्यू फॉर्म एक क्रिएट करते हैं, और ये फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गया, और इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया बटन के नाम से। तो अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट की जो एक्सप्लोर विंडो है ये बता रही है कि ये फॉर्म वन है, और ये इसके टॉगल फोल्डर है जो कि इसको हाइड करता है, इसको शो करता है, और उसके बाद इसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक लगा हुआ है, और उसके बाद इसमें हम ये देखते हैं कि इसका कोड क्या है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट का कोड और इस फॉर्म का कोड नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये फॉर्म किस कोड से आया है और ये बटन किस कोड से आया है। दैट इज ये बता रहा है कि हमने कमांड क्लिक की मदद से इसके कोड को सेट किया। ये बिल्ट इन कोड होते हैं जो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे मौजूद होते हैं, और इसके बीच में हम अपनी कोडिंग वगैरह को सेट कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे सेट करते हैं, प्राइवेट सब कमांड क्लिक क्या है, और ये जो सब रूटीन कैसे एंड हो रही है। यहाँ पे वो दोबारा इसी चीज़ को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम व्यू कैसे करते हैं, उनका कोड कैसे देखते हैं, और फोल्डर को हम कैसे टॉगल करते हैं। टॉगल फोल्डर मीन इट इज़ यूज टू शो आर हाइड फोल्डर इन प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो। जो हमारी विंडो नज़र आ रही है जिसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी हम कोडिंग कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। और अगर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन भी ख़त्म हो जाती है, यानी ये सॉरी इस हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर विंडो को नहीं देख पाते, तो उसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास है वो कंट्रोल आर, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं तो कंट्रोल प्लस आर क्लिक करने से ये वापस आ जाएगी। कोड विंडो जो है ये बेसिकली जो हमने फॉर्म क्रिएट किया होता है और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट वगैरह लगाया हुआ होता है उसका कोड शो करने के लिए कोड विंडो को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर विजुअल बेसिक की कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई होती हैं, कुछ कोड्स वगैरह, कुछ प्रोग्रामिंग की होती है जिसमें कोई पीस ऑफ कोड होता है जो रन होता है, और उसके रन होने के ऊपर हमें कोई आउटपुट मिलती है। अगर हम उसको खुद सेट करना चाहें, हम खुद उसकी कोई आउटपुट बनाना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से एक प्रोजेक्ट गेट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसके ऊपर हम कोई बटन वगैरह सेट करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनमें लेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, और हमारे पास बटन्स हैं, इनके ऊपर हम मोस्टली काम करेंगे। और आगे कुछ अगर हम एक आध प्रोजेक्ट अभी बनाते हैं तो उसमें एक आध ऑब्जेक्ट और आ जाएगा जिसकी कोडिंग हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बटन के बैक साइड के ऊपर इसके इवेंट के ऊपर कुछ शो करवाना चाहता हूँ, कुछ डाटा वगैरह शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर जब डबल क्लिक करूँगा तो मुझे इसका कोड नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली मेरे पास एक कोड विंडो है जिसमें मैं देख सकता हूँ कि इसका कोड क्या है। अब इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा इस क्लिक के इवेंट के ऊपर। अब अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं विजुअल बेसिक के अंदर। विजुअल बेसिक में जब भी आपने कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एप्लीकेशन सेट करनी है, तो आपने सबसे पहले उसका यूज़र इंटरफेस देना है। जैसे फॉर्म की शक्ल में हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट लगाए हैं, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के इवेंट जब परफॉर्म करते हैं तो वो जो इंटरफेस है वो उसके इवज हमें कोई आउटपुट देता है। उसके बाद जब हम कोई फॉर्म वगैरह बना लेते हैं तो फिर उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, प्रॉपर्टी भी हमने सेट करके देखनी, फॉर्म भी बना के देख लिया, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है अगर हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं या प्रोजेक्ट विंडो में जाके उसके कोड को चेक करते हैं, तो उसके बाद हम उसके साथ अपने कोड को भी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गई है जिसमें हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कोई
कोई विजुअल बेसिक के अंदर एक कोड डेवलप करना है और उसकी आउटपुट देखनी है, और उसके लिए हम तीनों काम करेंगे। यानी उसके लिए इंटरफेस बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और प्रॉपर्टी सेट करने के बाद उसमें कुछ कोडिंग्स वगैरह भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने इसका कोड कैसे अटैच करना है। अगर हम प्रीवियस में थोड़ा सा देखें तो हम सबसे पहले एक इंटरफेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस यहाँ पे बना हुआ है, इसे एक दफ़ा ख़त्म करते हैं और नया इस प्रोजेक्ट को करते हैं। स्टैंडर्ड एक्सिक्यूटेबल प्रोजेक्ट नया लिया और इसको हमने यहाँ पे सेट किया। अब हमारे पास जो इंटरफेस है वो फॉर्म वन के नाम से नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वन फॉर्म विद वन बटन ऑन इट, एक फॉर्म लें और उसके ऊपर एक बटन जनरेट करें, और जब हम बटन को क्लिक करें तो मैसेज विल अपीयर ऑन द फॉर्म, और फॉर्म के ऊपर हमें मैसेज मिले व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द बटन। यानी यूजर जब बटन को क्लिक करे तो उसको उस फॉर्म के ऊपर मैसेज मिले कि आपने इस बटन को क्लिक किया है। या आप फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जब आप इसको स्टार्ट करें तो कमांड बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके जो सेट प्रॉपर्टीज हो, जो आपके फॉर्म की सेट प्रॉपर्टीज हो माई फर्स्ट वीबी प्रोग्राम। और जब आप किसी बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो जब आप बटन की सेटिंग करेंगे तो उस बटन के नाम लिखा हुआ हो क्लिक मी। जब आप क्लिक मी के ऊपर क्लिक करें तो आपको मैसेज हो वेलकम टू वीबी। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्म तो ये बन चुका है। अब फॉर्म की प्रॉपर्टीज विंडोज़ के ऊपर हमें इसका नाम फॉर्म वन नज़र आ रहा है, और इसके जो कैप्शन नाम है वो आ रहा है फॉर्म वन। यानी यहाँ पे हम इसका नाम वो कर देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो जा रही है माई फर्स्ट वीबी प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई फर्स्ट वीबी प्रोग्राम। माई फर्स्ट वीबी प्रोग्राम यहाँ हमें ये नज़र आ रहा है, और इसके बाद हमने क्या करना है, एक बटन यहाँ पे सेट करना है, ऑब्जेक्ट सेट करना है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो भी हम चेंज करेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ है, और इसकी अगर हम कैप्शन में देखें तो ये हमारे पास आएगा अब क्लिक मी। अब ये सेट हो गया है। अब हम इसके बैक एंड के ऊपर जब इसको क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी क्लिक करके देख लेते हैं, अगर हम इसको क्लिक करते हैं और इसको जब हम, ये हमारे पास एक ऑप्शन है स्टार्ट, कि हम इस प्रोजेक्ट को अब रन करना चाहते हैं। ये रन का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। F5 मोस्टली इसकी शॉर्टकट की होती है, यानी अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो ये रन हो जाएगा। रन होने के बाद जब एग्जीक्यूट होगा तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कोई मैसेज नज़र नहीं आ रहा। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर जब हमने कोई आउटपुट देखनी होती है तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट। जिस तरह सी के अंदर हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एक वर्ड लिखना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिंट इसकी कोडिंग पे। अब हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, ब्रेक भी कह सकते हैं आप इसको, स्टॉप करेंगे तो ये हमें अब इस प्रोजेक्ट को इसने रोक दिया है। ठीक है, अब ये दोबारा डिज़ाइन व्यू के ऊपर आ गया है कि अब हम इसमें डिज़ाइन क्या करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। फिर हम इसको रन करते हैं तो जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसको रोकने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को अभी स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये अब हम इसका कोड देखना चाहेंगे कि इसका कोड क्या है। सॉरी, ये एक हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बेसिक ओपन फॉर्म, फॉर्म के ऊपर हमारा जो फॉर्म का नेम है, दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट वीबी आई थिंक।
माय फर्स्ट वीबी प्रोग्राम। इसके ऊपर बटन ऑब्जेक्ट सेट किया और उसकी प्रॉपर्टी सेट की, क्लिक मी के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास वही कोड आ गया। अब हम इसके ऊपर एक मैसेज की कोडिंग करेंगे, उसके लिए प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर हम वो स्ट्रिंग सेट करेंगे जो रिक्वायर है। वेलकम टू वीबी, ये हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं क्लिक के बटन। अब हम इसको रन करेंगे, ये हम डिजाइन व्यू के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके बाद हम इसको रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास, अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें ये मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज हमें इसी वेलकम फॉर्म के, ये जो फॉर्म हमने बनाया है उसके ऊपर शो हो रहा है। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं, एंड कर देते हैं, फिर रन करते हैं, दोबारा इसको दोबारा चेक करते हैं। अब ये इवेंट हम जितनी दफा क्लिक करेंगे उतनी दफा इस इवेंट के अगेंस्ट जो हमारी प्रिंट वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रही है और इसको शो कर रही है। हम इसको किसी मैसेज बॉक्स के ऊपर भी शो करवा सकते हैं, यानी अभी तो हमें ये इस फॉर्म के ऊपर नजर आ रहा है ना वेलकम टू वीबी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्लिक मी का बटन पर प्रेस करते हैं, तो हमें इसी फॉर्म के ऊपर नजर आ रहा है, तो हम इसको एक अलग एक मैसेज बॉक्स के ऊपर भी शो करवा सकते हैं क्लिक इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसको स्टॉप करते हैं और इसकी कोडिंग में जाते हैं और आई थिंक इसका है मैसेज बॉक्स और इसकी स्ट्रिंग में वैल्यू लिखी जाती है वेलकम। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें ये एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा हो रहा है वेलकम टू वीबी। ओके, अब हम इस पूरे प्रोग्राम को जो हमने यहाँ पे बनाया है इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं जो हम सेव करवा सकते हैं इस फाइल को। जब कोई प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं तो इसको सेव करने के लिए हमें उस प्रोजेक्ट फाइल को भी सेव करना पड़ता है और इस प्रोजेक्ट की फाइल को भी सेव करना पड़ता है। प्रोजेक्ट फाइल हमारे पास इट होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट एज वेल एज द इंफॉर्मेशन अबाउट विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट। यानी विजुअल बेसिक जितना भी आईडीई है उसके अंदर इस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट जितनी भी फाइलें हैं वो सेव करता है। इट जो हमारे पास फॉर्म फाइल है इट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑन फॉर्म। जो हमने पर्टिकुलर फॉर्म बनाया है उसके ऊपर जितने ऑब्जेक्ट लगे हुए थे उनकी फाइल्स को ये सेव करता है और उसकी सेटिंग को एज ए सोर्स कोड वो अपने पास स्टोर कर लेता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेव प्रोजेक्ट फॉर्म के ऊपर जाके इसको सेव करेंगे और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स का जो डिफॉल्ट नेम होगा वो फॉर्म वन होगा। अगर हम चाहें तो इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको सेव बटन के साथ सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही प्रोजेक्ट है जिसको हम क्लिक करते हैं, सॉरी रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमें वेलकम टू वीबी नज़र आ रहा है अलग से। ठीक है, हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, स्टॉप करते हैं और इसकी कोडिंग में जाके हम मैसेज बॉक्स को ख़त्म करते हैं और सिर्फ फॉर्म के ऊपर ही इसको लिखा रहने देते हैं इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं रन की और उसके बाद ब्रेक की और उसके बाद एंड की।
शायद अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है इसको, लेटर हम जब दूसरी एग्जाम्पल करते हैं तो उसमें हम देखेंगे। सेव प्रोजेक्ट, और ये हमारा प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट नेम इसका आ रहा है फॉर्म वन, सेव किया। फॉर्म वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट ऑलरेडी है तो हम उसी के ऊपर इसको रिप्लेस कर देते हैं। और इसके बाद इसकी जो फाइल की प्रॉपर्टी है जिसमें इसके ऑब्जेक्ट वगैरह हैं उसको अब ये सेव कर रहा है। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, इसकी भी फाइलें ऑलरेडी मौजूद थी तो हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो चुका है। अब हम एग्जिस्टेंस जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसको ओपन करने के लिए दोबारा से अगर हम इस प्रोग्राम को ऑफ कर देते हैं और इसको दोबारा से जो एग्जिस्टेंट प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है अब हम उसको देखना चाहते हैं, उसको ओपन करना चाहते हैं, क्लिक मी। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्लिक मी के ऊपर हमें वही प्रोग्राम दोबारा मिल गया है जिसको हमने सेव किया था। अभी तक हमने अपने इस लेक्चर में विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में विजुअल बेसिक का जो आईडी है उसको देखा है और उसके ऊपर एक हमने प्रोग्राम जनरेट किया है, एक प्रोग्राम डेवलप किया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो नई एग्जाम्पल है उसके साथ काम करेंगे और उसको देखेंगे कि वो हमने कैसे सेट करनी है, और उसके ऊपर हम थ्री बेसिक कंट्रोल जो हैं वो सेट करेंगे, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और कमांड बटन। यानी बटन तो हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का ये वाला जो सॉफ्टवेयर है 6.2 इसको इंस्टॉल करना सिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उससे इस प्रोग्राम को कैसे अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम कैसे इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये सारी चीज़ें बताएंगे और ये जो एग्जाम्पल 2 है उसको भी उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हम इस प्रोग्राम को कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, किस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अभी तक जितने तलबा के पास ये प्रोग्राम मौजूद है उसके ऊपर इसको ज़रूर अप्लाई करें और इसको ज़रूर एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।